देखिए मिलना और मिल के भी रखा है यहाँ, खर्च नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान करने जाइएगा कि पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के अपना भविष्य बनाने जाइएगा, देश का नाम ऊंचा कर दीजिए। हम भी हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी को कहते कि बजट का सारा पैसा खर्च कर दिया कीजिए। 2,00,000 करोड़ का बजट बनाते हैं, अब पैसा 100% खर्च नहीं होता। बिहार के मुख्यमंत्री को बखूबी साथ मिल रहा था बिहार का विपक्षी दलों का। ऐसे समय में लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। अब कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा है। ये झटका इस रूप में लगा है कि एक तरफ जहां विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग कर रहे हैं, वही विपक्षी दल उनका सहयोग कर रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना नजरिया बदला है और गेम प्लान भी बदला है। इसके अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं और पूछा है कि आप मांग किससे रहे हैं, आप सरकार में शामिल हैं और ये एक बहाना है। प्रतिपक्ष के नेता ने साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से सवाल पूछे हैं और ये सवाल वही है जो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता पूछ रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने ये भी सवाल पूछा है कि जो राशि आई है क्या उस राशि को आप खर्च कर पाए हैं। कई नेताओं ने इस बात का दावा भी किया है कि राशि वापस चली जा रही है। अब प्रतिपक्ष के नेता ने भी वही सवाल पूछा है। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने सवाल किया है और पूछा है कि मुख्यमंत्री जी आप साथ हैं, फिर भी आपको मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है और जो राशियां आ रही हैं वो खर्च कहां हो रही है। कौन पैकेज देगा, क्या देगा, कहने दीजिए। अरे कहने से मिल गया क्या? जिस दिन मिलेगा और जिस दिन खर्च होगा, देखिए मिलना और मिल के भी रखा है यहाँ, खर्च नहीं हो रहा। ये भी आरोप केंद्र में लगा, केंद्र मंत्रियों ने लगा कि बिहार सरकार पैसे नहीं खर्च करती है। एक ही लोग अब किसको आरोप लगा रहे हैं, अपने ही पर आरोप लगा रहे लोग। सरकार हुआ तो वही है ना भाई, एनडीए का, चाहे केंद्र में हो या यहाँ हो, तो एक दूसरे पर ही आरोप लगाना मतलब क्या? You are the part of the Bihar government, BJP, and JDU is the part government of India. तो बेवकूफ किसको बना रहे हैं? और आज 6,000 करोड़ आज जनता दल यूनाइटेड छोड़ कर सिविल कोड और हिजाब पे सर रिएक्शन देते हैं। हिजाब पे हम तो बोल रहे हैं ना भाई, देश का माहौल जो है असल मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे होना चाहिए, किसान के मसले पे होना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पे होना चाहिए, गरीबी के मुद्दे पे होना चाहिए, इकोनॉमी के मुद्दे पे होना चाहिए, इन सारे मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। कोई मुद्दा है क्या? किशनगंज और अररिया नहीं, आप यूनिवर्सिटी जाइएगा, क्या करने हिंदू मुसलमान करने जाइएगा कि पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के अपना भविष्य बनाने जाइएगा, देश का नाम ऊंचा करने जाइए। बात को समझिए, नीतीश कुमार हाथ जोड़े थे केंद्र सरकार को, कह रहे थे कि बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, हम हाथ जोड़कर हर बिहारी के हक की मांग कर रहे हैं। अच्छा, किससे मांग कर रहे थे? केंद्र सरकार से। आई क्या है केंद्र में, है कुछ है? अरे कुछ तो होंगे ना भाई, पुराना संबंध क्या? अरे पार्ट है ना भाई गवर्नमेंट के। हाँ। अरे जनता दल यूनाइटेड क्या है केंद्र में? यूनिवर्सल सिविल कोड 6,000 करोड़ लौटा दिए गए हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार सरकार ने 6,000 करोड़ नहीं है। नौटंकी देखिए ज्यादा दिन नहीं ना चलने वाला। नीतीश जी भूमिका बनाएंगे, माहौल बनाने का कोशिश करेंगे, हम तो मांग रहे लेकिन मिल नहीं रहा। अरे मांग किससे रहे? अपने ही सरकार से। खर्चवा जो पैसवा नहीं हो रहा वो कौन नहीं कर रहा है भाई? तो उत्तराखंड में ये भी तो बताना चाहिए ना। हम भी हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी को कहते कि बजट का सारा पैसा खर्च कर दिया कीजिए। 2,00,000 करोड़ का बजट बनाते हैं, अब पैसा 100% खर्च नहीं होता कीजिए। उत्तराखंड में आप प्रेमा चौधरी जी जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके आज लालू जी ने सदस्यता ग्रहण इनको कराई है और हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं और पार्टी के हित में ये काम करेंगी, सब लोगों को विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब होता रहेगा। अरे भाई हमको पुलिस हम हैं, अरे पुलिस हम हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।